गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन्थ। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेंड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसमें से स्टूडेंट्स ने 100 में से मार्क्स लिए हैं इन ए साइंस टेस्ट, साइंस टेस्ट के अंदर, और वो हैं 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। फाइंड द, अब हमें इसकी कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके हमें सॉल्यूशंस पता करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें इसका सॉल्यूशन पता करना है, हाईएस्ट मार्क्स एंड लोएस्ट मार्क ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट्स। तो इस ग्रुप के अंदर जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो, तो इस सॉल्यूशन निकालेंगे फर्स्ट का, तो लिखेंगे हाईएस्ट मार्क्स। तो यहाँ देखिए, सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स हैं वो 95 है और जो लोएस्ट मार्क्स हैं वो है 39। तो हाईएस्ट मार्क्स आ जाएगा 95 एंड लोएस्ट मार्क्स आ जाएगा 39। ओके, इसका फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका सेकंड देखते हैं, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड। तो जो मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं उसका रेंज क्या है, रेंज हमें पता करना है। तो रेंज ऑफ द मार्क्स आ जाएगा, हाई फॉर्मूला होता है हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स इज 95 एंड लोएस्ट मार्क्स इज 39। 95 माइनस 39 करेंगे तो आ जाएगा 56। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, ये आपका रेंज आ गया। अब हम पता करेंगे मीन मार्क्स ऑब्टेंड बाय द ग्रुप। तो ग्रुप के द्वारा उसका मीन क्या होगा, मीन हमें फाइंड करना है। तो मीन मार्क्स आ जाएगा सम ऑफ द मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स के द्वारा जो नंबर्स फाइंड किए गए हैं उसका हम सम फाइंड करेंगे और उसमें टोटल नंबर स्टूडेंट्स का डिवाइड करेंगे। तो मीन फाइंड करने के लिए हो जाएगा 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 और प्लस 75। तो यहाँ पे ये 10 स्टूडेंट्स के द्वारा ये मार्क्स ऑप्टेंड किए गए, तो इन सभी का सम फाइंड करेंगे अपॉन, और टोटल स्टूडेंट्स है 10, इन सभी को हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आ जाएगा 730 अपॉन 10, और 10 का हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 73। तो ये है मीन स्कोर, जिसे कहेंगे मीन मार्क्स। ओके, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलो, यानी कि एक स्कूल के अंदर 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के अंदर, 6 साल के अंदर, लगातार 6 साल के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो इनरोलमेंट हुआ है उनका नंबर दिया गया है। ये दिया गया है 1,555, 1,670, 1,750 एंड 2,013, 2,540, 2,820। तो यहाँ पर हमने ये मार्क्स लिख ली, ये जितने इनरोलमेंट्स हुए हैं वो लिखे हुए हैं। फाइंड द मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड, और इस पीरियड के लिए हमें मीन इनरोलमेंट बताना है, यानी एवरेज पता करना है। तो मीन इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, मीन इनरोलमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द इनरोलमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ द इनरोलमेंट्स हैं आपके 1,555 प्लस जो नंबर्स दिए गए थे वो हमने आप लिखे नंबर्स, और डिवाइड बाई 6। तो इन सभी को हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आ जाएगा 12,348, और 312,48 में हम 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 का डिवाइड करने पर आ जाएगा 2,058 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मीन इनरोलमेंट हो जाएगा, इसे हम कहेंगे एवरेज। ओके, तो ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, दोनों क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे। एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, मीन और एवरेज दोनों सेम होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया और उसको वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद हमने उसको ऐड किया, ऐड करने के बाद डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद और जो आंसर निकल के आया वो ये आंसर है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का हम मीन फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे।